नमस्कार, बोल क्लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। न कोई ताकत, न कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल क्लब आजाद है तेरे। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी सरकार 6 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने में कामयाब तो हो गई है, मगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ये मोदी सरकार के लिए जबरदस्त शर्मिंदगी और बेइज्जती का सबब साबित हो रही है। सबसे शॉकिंग ये दोस्तों कि कल अदालत में 6 दिन की रिमांड मांगने के दौरान सत्ता पक्ष ने जिस गवाह को एक ताकत के तौर पर पेश किया, इत्तिफाकन उसी व्यक्ति यानी औरबिंदो फार्मा के सरत रेड्डी ने भाजपा को गुप्त चुनावी चंदों के जरिए 40 से 45 करोड़ रुपए दिए थे। बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, उस पर गिरफ्तारी का डर था, गिरफ्तारी की तलवार थी, और गिरफ्तारी के बाद वो पहले 5 करोड़ देता और बाद में बचे हुए 35 से 40 करोड़ रुपए। इत्तिफाकन इस व्यक्ति को सबूत के तौर पर मोदी सरकार पेश कर रही है, और ये मत भूलिएगा सबसे पहले तमाम पत्रकारों में ये जानकारी मैं आपके सामने लेकर आया था। कल बाकायदा प्रशांत भूषण, अंजलि भारद्वाज जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं और वकीलों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें यह जानकारी सार्वजनिक हुई। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर कल पत्रकारों के सामने अरविंद केजरीवाल कुछ देर के लिए रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि मैं डरने नहीं वाला। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हूं या बाहर देश के लिए। तो जैसे कि मैंने कहा, मोदी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो रही है। आगे वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या अहम बातें बताई वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले सुनिए स्काई न्यूज में अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या चर्चा हो रही थी आपकी स्क्रीन पर। Again, members of India's opposition party, including a senior politician, have been arrested in what the government has branded a crackdown against corruption. But others protesting the arrest say that it symbolizes a decay of democracy ahead of the country's national elections taking place next month. Our India correspondent Neville Lazarus is live for us in New Delhi. Hello again to you, Neville. This is an enormous democratic exercise, isn't it, taking place over several months in India, and already it seems that things are getting pretty ugly. तो सिर्फ स्काई न्यूज नहीं, अलग अलग जगह पर अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय अखबारों और चैनल्स में क्या क्या कहा जा रहा है, और ये तमाम खबरें जो हैं उनके पहले पन्ने पर हैं, पहले हेडलाइन के तौर पर हैं। सब इसे भारत के लोकतंत्र के साथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि किस तरह से लोकतंत्र जो है भारत के अंदर चरमरा रहा है। सबसे पहले वॉशिंगटन पोस्ट, जो कि अमेरिकी मीडिया हाउस है, वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, केजरीवाल भारत की राजधानी और पंजाब राज्य पर शासन करते हैं, उनकी गिरफ्तारी हाल ही में हुई है, किसी विपक्षी नेता की दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है। पोस्ट ने यानी वॉशिंगटन पोस्ट ने केजरीवाल से पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की बात भी कही थी, और यह है वॉशिंगटन पोस्ट का फ्रंट पेज, इंडिया अरेस्ट डेली चीफ मिनिस्टर एज क्रैक डाउन ऑन ऑपोजिशन स्प्रेड्स। इसके बाद सीएनएन, जो कि अमरीकी मीडिया हाउस है, चैनल कहता है, भारत में गुरुवार रात एक अहम विपक्षी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। विपक्ष ने चुनाव से पहले हुई इस गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल प्रधानमंत्री के कड़े आलोचकों में से हैं, और ये देखिए सीएनएन आपके सामने, डेली चीफ अरेस्टेड एज ऑपोजिशन पार्टी एलिजेस ह्यूज कॉन्स्पिरेसी अहेड ऑफ इंडियन इलेक्शंस। अल जजीरा ने तो इसे ये तक कह दिया कि भारत का लोकतंत्र मर रहा है। मोदी सरकार अनर्गल आरोपों में जिस तरह से मीडिया प्रोपेगेंडा के जरिए तमाम चीजें कर रहा है, मगर इंटरनेशनली ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है। आगे देखिए साहब, बीबीसी क्या कहता है। बीबीसी ने लिखा, भारत में विपक्ष के नेताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। केजरीवाल ने कुछ भी गलत करने से इनकार किया है, और बीबीसी की खबर आपके स्क्रीन पर, अरविंद केजरीवाल, इंडियाज ऑपोजिशन कॉल अरेस्ट डीके ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र जो है वो धीरे धीरे सड़ रहा है। अल जजीरा, डेड डेमोक्रेसी विल केजरीवाल्स अरेस्ट यूनाइट इंडियाज ऑपोजिशन। और आप देख सकते हैं दोस्तों, दुनिया भर के अखबार, दुनिया भर की बड़ी बड़ी एजेंसीज जो हैं इसकी चर्चा कर रहे हैं, और जैसे मैंने बताया सत्ता पक्ष के खिलाफ इंडिया गठबंधन
एक होता दिख रहा है। कल चुनाव आयोग से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उनके जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी, जो इत्तेफाकन अदालत में केजरीवाल के वकील भी हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को दखल देना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं इसके जरिए भारत के लोकतंत्र, भारत की संवैधानिक मर्यादाओं को बर्बाद किया जा रहा है। अभिषेक मनु सिंह भी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मूल ढांचे का जो पूरा कानून है वो ये कहता है, बड़ी बहुत अनूठी बात है भारत के बारे में, कि अगर कोई भी संवैधानिक संशोधन मूल ढांचे के विरुद्ध है तो संवैधानिक संशोधन भी असंवैधानिक करार किया जा सकता है। अब इसको हमने कैसे पक्ष रखा, जब आप इस प्रकार की चुनाव के लिए जो एक समतल जमीन आवश्यक है, अति आवश्यक है, अनिवार्य है, समतल जमीन, उस समतल जमीन को आप बदल देते हैं, उसको समतल नहीं रहने देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज द्वारा, तो उसका सीधा दुष्प्रभाव पड़ता है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव पर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। उसका सीधा दुष्प्रभाव आगे पड़ता है गणतंत्र लोकतंत्र पे, डेमोक्रेसी, और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव या लोकतंत्र गणतंत्र दोनों, उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती के समय से कहा है, बार बार कहा है, मूल ढांचे के एक अभिन्न अंग हैं। तो जब आप समतल जमीन को बदल देते हैं, नॉन समतल बना देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज का, तो आप सीधा उस मूल ढांचे पे प्रहार कर रहे हैं, असंवैधानिक गैर कानूनी प्रहार। ये एक मूल मुद्दा है और इसके लिए सबसे बड़ा पुलिसमैन इस समतल जमीन का संविधान ने बनाया है, चुनाव आयोग को बनाया है, सिर्फ कोई स्टैट्यूटरी गठित संस्था नहीं है, ये संवैधानिक संस्था है। तो हमने उनको उनके उत्तरदायित्व की याद दिलाई और कहा कि आप बेझिझक होकर इस मामले में हस्तक्षेप करें। बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, जैसे कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, कल प्रशांत भूषण, अंजलि भारद्वाज जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा बताया कि जिस शरत रेड्डी को एक गवाह के तौर पर कल अदालत में पेश किया गया, ये वो शरत रेड्डी है जो गवाह इसलिए बना, अप्रूवर इसलिए बना क्योंकि गिरफ्तारी की तलवार थी और उसी डर में उसने भाजपा को करीब 40 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर दिए। सुनिए अंजलि भारद्वाज ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर्स हैं जिनको की गिरफ्तार कर लिया गया है, और आज जब दिल्ली चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी की बात हुई, रिमांड की बात हुई, तो कोर्ट के अंदर ये कहा गया, उनके अप्रूवर का नाम लिया गया, शरद चंद्र रेड्डी जो है। और अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड में जो डेटा निकला है उसको अगर हम देखेंगे तो शरद चंद्र रेड्डी जो है उनकी औरबिंदो फार्मा लिमिटेड करके कंपनी है, और वो दिख रहा है उस पूरी सूचना जो बैठ के अब सारे जर्नलिस्ट जिसको देख रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए उनकी कंपनी ने चंदे में दिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू 5 दिन बाद जब वो अरेस्ट हुए उसके, और उसके बाद भाजपा को वो पैसे गए। तो ये ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी खरीद के उन्होंने दे दिए, भाजपा को चंदा दिया। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में बेल, जब उन्होंने अप्लाई करा बेल लेने के लिए, मई 2023 में उनको बेल दे दी गई, लेकिन इसमें जरूरी बात क्या है, ईडी ने बेल को अपोज नहीं किया। आप खुद सोचिए कितने केसेस हैं जिसमें ईडी बेल को अपोज नहीं करता है। ईडी ने बेल को अपोज नहीं किया, मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल दी गई, जो हमें समझ में आई है बात अभी तक, इसकी आप लोग और पुख्ता सूचना निकालिए, उनकी कमर लोअर बैक में दर्द था, ये मेडिकल ग्राउंड था और उन्हें बेल दी गई। ईडी ने उस बेल को अपोज नहीं किया, और फिर जून 2023 में एक महीने के बाद रफली वो अप्रूवर टर्न हुए, उन्हें पार्डन मिल गया और 25 करोड़ के बॉन्ड और खरीद के चंद ही दिन बाद उनकी कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को दिए। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी बॉन्ड की जो इंफॉर्मेशन सामने आई है, ये सारी सूचना को बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है,
और जोड़ने की जरूरत है कि हमारे लोकतंत्र में आज क्या हो रहा है। और ये जो जानकारी अंजलि भारद्वाज ने आपको दी, सबसे पहले तमाम पत्रकारों में मैंने आपके सामने रखी थी। जी हां, ये जानकारी सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर आया था अपने मंच पर। याद कीजिए मैंने अपने निजी मंच पर इस बारे में क्या कहा था। औरबिंदो फार्मा का एक बहुत ही दिलचस्प मामला, तारीखों पर गौर कीजिए और इन सवालों के जवाब भाजपा को देने पड़ेंगे। जी हां, 10 नवंबर 2022 पिनाका सरत चंद्र चैटर्जी, औरबिंदो फार्मा के पिनाका सरत चंद्र चैटर्जी को गिरफ्तार किया जाता है। पांच दिन बाद दोस्तों, औरबिंदो फार्मा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, गुप्त चुनावी चंदे के जरिए भाजपा को 5 करोड़ रुपए देता है। मगर बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, उसके बाद 1 जून 2023, यानी कि कुछ महीनों बाद 1 जून 2023 को सरत चंद्र रेड्डी अप्रूवर बन जाते हैं, सरकारी गवाह बन जाते हैं। पहले 5 करोड़ रुपए दिए, उसके बाद सरकारी गवाह बन गए। अब इस तारीख पर गौर कीजिए, 8 नवंबर 2023 सरत का जो औरबिंदो फार्मा है वो भाजपा को 35 करोड़ रुपए और देता है। 5 करोड़ पहले दे चुका था, उसके बाद अब 35 करोड़। और ये जो 35 करोड़ है वो ना सिर्फ औरबिंदो फार्मा की तरफ से है बल्कि एपीएल हेल्थ केयर की तरफ से भी है। यानी कि औरबिंदो फार्मा और एपीएल हेल्थ केयर ने कुल भाजपा को डोनेशन दिया 40 करोड़ का। सरत रेड्डी जो है वो सरकारी गवाह अप्रूवर बन जाते हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक तरफ वो व्यक्ति जिसे डरा धमकाकर आप सरकारी गवाह बना रहे हैं, उसकी गवाही के आधार पर आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल मुख्य साजिश करता है, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की बेइज्जती हो रही है। तीसरी बात, विपक्ष जो है वो एकजुट हो रहा है, एक मंच पर आ रहा है। ये तमाम सवालात हैं जो मोदी सरकार के लिए किसी बड़े सिरदर्द से कम नहीं है। और दूसरी तरफ, और भाजपा के बचाव में कौन आ रहा है? वो व्यक्ति जिसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की अदालत में चार्जशीट दाखिल की है महिला पहलवानों के यौन शोषण को लेकर। सुनिए ब्रजभूषण शरण सिंह कल क्या कह रहे थे। जिस तरीके से ईडी लगातार नोटिस पर नोटिस दे रही थी और जिस तरीके से उनके बयान आ रहे थे, बार बार ऐसे बयान आ रहे थे जैसे लगता था कि वो भारत में नहीं है, श्रीलंका में है या बांग्लादेश में है या म्यांमार में है, लगता था कि उन पर देश का कानून नहीं लागू होता है, केजरीवाल हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसको भारत के संविधान और संवैधानिक जो व्यवस्था है उस पर विश्वास करना पड़ेगा। तो ये तमाम मुद्दे हैं दोस्तों, हकीकत सामने धीरे धीरे खुलती जा रही है। और वो हकीकत क्या है कि चुनाव आने वाले हैं, विपक्ष के नेताओं को उनके मामलों में इस कदर उलझा दिया जाए कि वो चुनावी कैंपेनिंग न कर पाए। बड़ा सवाल ये कि अगर प्रधानमंत्री 400 सीटों की बात करते हैं तो क्या 400 सीटें इस तरह से हासिल की जाएंगी? और मैं तो कहता हूं 400 सीटें में क्यों, आपको 543 सीटें मिलेंगी। जिस तरह से विपक्ष के नेताओं पर दबिश डाली जा रही है, जिस तरह से गुप्त चुनावी चंदे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया विपक्ष की सरकारों को हिलाने के लिए, गिराने के लिए, जिस तरह से मीडिया लगातार विपक्ष को खलनायक के तौर पर पेश करता है, तो 400 सीटें तो बहुत कम हुई, कायदे से आपको 543 सीटों की बात करनी चाहिए। यकीनन दोस्तों, ये जो अध्याय चल रहा है केजरीवाल को लेकर, ये भारत के लोकतंत्र का न सिर्फ एक शर्मनाक अध्याय है बल्कि भाजपा के लिए शर्मिंदगी का सबब भी। भाजपा के हाथ में प्रचार तंत्र है, लिहाजा उसके जरिए वो संवाद को पलट सकती है और पलट भी रही है। मगर हकीकत यह है कि इसमें कहीं ना कहीं भाजपा की असुरक्षा और उसका डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बोल के लब आजाद है तेरे में, बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।